हम चले, वो चले, कोई बात नहीं। शाम तुम्हारा ये कॉम्पिटिशन फ्लॉप हो चुका है क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज दिया था और मैंने तुम्हें रात में हलवा पूरी दिखा दिया। भाई विशाल साहब ने कहा था ऐसी हलवा पूरी दिखा दो जो कराची में कहीं पे भी नहीं मिलती हो। भाई मैं आप लोगों को खारा तक लेकर आई हूँ जहाँ रात में मिलती है हलवा पूरी। तो विशाल रोज इस्लामाबाद में अगर इस तरह की कोई हलवा पूरी मिलती है तो यार अपनी बहन को दिखाओ क्योंकि आपका टाइम शुरू होता है अब। तो भाई आज मैं आप लोगों को जिस जगह पे लेकर आई हूँ उसको 27 साल हो चुके हैं यार यहाँ पे खुले हुए। और अगर आप लोगों को भी मेरी तरह क्रेविंग होती तो ऑल गाइस आप लोगों को बहुत पे आना है यहाँ पे। और खारदर में ये शॉप लोकेटेड है और यार लाहौरी इस्लामाबादी ढूंढ के दिखा दो रात में हलवा पूरी बिकॉज आई थिंक सो ये ओपन चैलेंज में तुम लोग इस बार हार जाओगे। भाई कितने साल से आपकी शॉप? 25-26 साल हो गए। 25-26 साल हो गए। और ये कब से कब तक लगा दें? 24 घंटे चालू। हाँ 24 घंटे लगा दें। ये 24 घंटे लगती है, 24 घंटे लगती है यानी 24/7। तो आई डोंट थिंक सो शाम तुम्हारा ये कॉम्पिटिशन फ्लॉप हो चुका है क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज दिया था और मैंने तुम्हें रात में हलवा पूरी दिखा दिया। सो यू आर अ बीट मी नाउ राइट। अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि इनकी हलवा पूरी किस तरह की है और हमने इनका टेस्ट करना है, कंसिस्टेंसी देखनी है और देखना है कि इनकी पूरियाँ कितनी खस्ता है क्योंकि देखने में तो बहुत लजीज लगी है। और सूजी का हलवा ना वो येलो वाला नहीं है, इन्होंने बगैर रंग के सूजी का हलवा बनाया हुआ जो कि मुझे बहुत मज़े का लगता है। भाई ये प्लास्टिक का जो घर वाला बॉक्स नहीं होता, अम्मी का स्पेशल बॉक्स जो होता है उसके अंदर उन्होंने गाजर का जो है यहाँ पे अचार डाला हुआ है। अच्छा ये 35 रुपये की पूरी है, ठीक है इनकी यहाँ पे 35 रुपये ईच पूरी है इधर। और ये काफ़ी पस्ता बड़ी मज़ेदार सी लग रही है जो ठंडी की है। बगैर मैंने इसको डिग इन करना है। बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई मुझे क्योंकि छोले की तरकारी बहुत ज़्यादा बहुत 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 पसंद है। सालन काफ़ी ना एक अलग सी टेक्सचर का आ रहा है। उन्होंने छोले के सालन में मेथी भी डाली हुई है। इतना शोरबे वाला सालन है और साथ में मेथी जो इसको फ्लेवर दे रही है ना उसके तो क्या ही कहने भाई। अच्छा आप में से हलवे के साथ कौन तरकारी खाते हैं? शादी हलवा जो घुल रहा है ना कुछ अमेजिंग। अब हम चलते हैं बचा लेते हैं हम थोड़ा सा कितने मज़े का यहाँ पे दिया हुआ। और हमारी जो आलू की तरकारी है उसको हम इसमें डालते हैं। गाजर का जो क्रंच आ रहा है ना जो बात ही अलग है। गाजर के हलवे का, गाजर के अचार का बस तो साथ ही दिखाऊंगी। ऑन द गो एंड ऑन द होल मैं इस पूरी चीज़ को मैंने रेट 8 मुझे वाकई बहुत मज़े किया है। अब मेरी तो रात की हलवा पूरी की सेविंग हो गई है पूरी और आई थिंक सो मैं जीत गई हूँ चैलेंज। तो फिर आपसे मुलाकात होती है एक और से मज़ेदार से चैलेंज के साथ क्योंकि आपको तो पता है कराची एक्सप्लोर कराना मेरा काम है। अच्छा भाई सूजी का हलवा तो खाए बगैर मैंने नहीं सकती, बहुत बड़ा मेरे भाई की है। इतना परफेक्ट बना हुआ है और इसकी चीनी बिल्कुल सही अमाउंट में इसकी चीनी है और इतना मुलायम है मुझे जाते के साथ ही घुल रहा है।
बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। आई मीन इस तरह से घर में अगर अचीव हो जाए ना सूजी का हलवा तो क्या बात है, परफेक्ट बना हुआ है, परफेक्ट।